सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं संध्या ठाकुर आप सबका आपके अपने ही चैनल टाइनी सीड्स में हार्दिक अभिवादन करती हूं और साथ ही इस मस्त मेरी यूट्यूब फैमिली और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। सबसे पहले मैं अपने हर उस व्यूअर का धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मेरी स्पीच रिलेटेड वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह बनाए रखा है और चैनल को प्रोत्साहित किया। उम्मीद करती हूं कि आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का मौका आ चुका है और देश में देशभक्ति की लहर दौड़ चुकी है। ऐसे में देश के विभिन्न कोनों में चाहे वो स्कूल हो, कस्बे हो या फिर गांव हो, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन तो बनता है और ऐसे में अगर आपको भाषण देने का मौका मिल जाए तो मैं तो कहूंगी आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, परंतु आपका भाषण प्रभावशाली होना चाहिए ताकि उपस्थित श्रोतागण आपके भाषण का आनंद उठाते हुए आपके मंच संचालन को बुलंदियों में ले जा सके। रिपब्लिक डे में आपने भाषण कैसे तैयार करना है इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। इवन मैंने भी इंग्लिश और हिंदी में बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है और जिसमें आपका भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा अंतर है कि आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपको कि अगर आपको रिपब्लिक डे पर चरण दर चरण में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करते हुए आप कैसे एक प्रभावशाली शानदार और मंच को अपना बना लेने वाला भाषण तैयार कर सकते हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर आप पूरा जरूर देखिए। और अगर आप ये सारे स्टेप्स पूरे कार्यक्रम को कंडक्ट करते हुए आपने कैसे भाषण देना है अगर आप एक एक स्टेप देखते हो तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपको इस भाषण को तैयार करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैंने इस स्पीच को 3 से 4 प्रोग्राम को कंडक्ट करते हुए आपके लिए तैयार किया है। आपके जितने भी नंबर ऑफ प्रोग्राम हैं आप इस स्पीच में वैसे ही एड ऑन कर सकते हैं और अपनी स्पीच को दे सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला चरण फर्स्ट स्टेप भाषण की जब भी आप शुरुआत करें जबरदस्त देशभक्ति शायरी से होनी चाहिए। जैसे चढ़ गए जो हंसकर सूली खाई जिन्होंने सीने पर गोली। हम उनको प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश के लिए। हम उनको सलाम करते हैं। दूसरा चरण स्टेप टू उपस्थित माननीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण और मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं संध्या ठाकुर मैं यहाँ इस भाषण को शिक्षिका के तौर पर दे रही हूँ। आप अगर विद्यार्थी है या कहीं भी है तो आप अपने पद अनुसार यहाँ पर लाइन को बोलेंगे। गणतंत्र दिवस की इस स्वर्णिम वेला में उपस्थित होने पर आप सबका दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। साथ ही खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज के इस पावन मौके पर मुझे देशभक्ति से ओतप्रोत अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का मौका मिला। तीसरा चरण स्टेप थ्री अभी आपका रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो इससे पहले कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ये लाइन आप जरूर बोलें। कहा जाता है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ अगर ईश्वर वंदना से किया जाए तो वह कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच ईश्वर वंदना लेकर आ रहे हैं हमारे नन्हे सितारे क्लास 1, 2, 3 जो भी है उसको आपने यहाँ पर बोलना है। जब बच्चे स्टेज छोड़कर चले गए तो आपने बोलना है नन्हे सितारों द्वारा ईश्वर वंदना की इस प्रस्तुति की ध्वनि सुनकर मानो दिन सा बन गया। तो एक बार दो गातालियों की गड़गड़ाहट तो बनती है। दूसरे कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मना रहा है, परंतु यह जो आज हम जश्न मना रहे हैं इसके पीछे ना जाने कितने वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी होगी, कितनी पीड़ा सही होगी तब जाकर हमें यह दिन देखने का मौका मिला है। ना भूलेगा देश कभी वह नज़ारा जब शहीदों के दिल में जल रही थी ज्वाला, उनकी लहू धारा में बहकर किनारे में पहुंची आज़ादी। चलो आज मिलकर उन वीर सपूतों को करें हम नमन। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के तन मन में जल रही ज्वाला को
आज भी हमारे दिलों में जिंदा रखते हुए अगले कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं हमारी कक्षा 2, 3, 4 यहाँ पर जो भी आपने लिखना है कि छात्र और छात्राएं। बच्चों का स्टेज छोड़ने के बाद अद्भुत प्रदर्शन, दिल से इन नन्हे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जोरदार तालियों की गूंज से बनती है। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत संघर्षों और बलिदानों की बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। इसके उपरांत देश को विधिवत रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में कई दिग्गज नेताओं सहित 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अगले कार्यक्रम में बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा अपने कार्यक्रम के अकॉर्डिंग लाइन को ऐड करना है। कैसा रहा होगा वह दिन जब देश लगभग 200 वर्षों तक की गई अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र और गणतंत्र हुआ होगा। अगली पेशकश लेकर आ रहे हैं हमारे आज के सभी पार्टिसिपेंट्स आजादी का जश्न मनाते हुए। यहाँ आप ग्रैंड फिनाले के तौर पर ग्रैंड फिनाले और गणतंत्र दिवस की परेड का प्रदर्शन जरूर दिखाएं, क्योंकि परेड गणतंत्र दिवस का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा आपके जितने भी प्रोग्राम हैं आप इसी तरीके से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। चौथा चरण, फोर्थ स्टेप। अभी आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है और अपनी स्पीच को और भी अव्वल बनाने के लिए मंच छोड़ने से पहले आप इन पंक्तियों का इस्तेमाल जरूर करें। तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सभी श्रोतागण का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज इस मंच में शामिल होकर हमें और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। अंत में मंच को छोड़ने से पहले यही कहना चाहूँगी कि गणतंत्र दिवस एक दिन का मोहताज नहीं, बल्कि हर दिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह पर्व हमारी एकता, संपन्नता और गौरव का प्रतीक है। जो आज़ादी हमें इतनी मुश्किलों से मिली है उसे सहज कर रखने की ज़रूरत है। इसलिए हमें एकजुट होकर अपने देश को विकासशील से विकसित और समृद्ध बनाना है, तभी सही मायने में हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों तथा संविधान निर्माताओं के सपनों को जिंदा रख सकते हैं। जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।